नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में, टीम वॉरियर में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो नए यूजर्स हैं, कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम एटॉमिक से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जो लेटेस्ट न्यूज़ है 18 फरवरी की, उसमें क्या दिखाया गया है आज कि जितने भी जो लीडर्स हैं, जैसे 1 अक्टूबर से पहले, ठीक है, एटॉमिक का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 टाइम्स चेंज हो चुका है। 1 अक्टूबर से पहले और दिसंबर 2017 से और 1 अक्टूबर 2019 के बीच में जितने रजिस्ट्रेशन हुए उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग था। अक्टूबर के बाद कुछ अलग चेंज हुआ, फिर नवंबर में कुछ अलग चेंज हुआ और दिसंबर में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या था, 2-2.5 साल से जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं उसमें एक पैन कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पे लगाया जाता था इसमें, और एक आधार कार्ड, या तो पैन कार्ड लगाइए या आधार कार्ड लगाइए। तो उसमें कुछ यूजर्स क्या कर रहे थे कि जैसे किसी यूजर्स ने पैन कार्ड से आईडी लगा दिया अपना, ठीक है, तो फिर उसके थोड़े दिन बाद वो भूल गया आईडी पासवर्ड, या किसी कारणवश वहाँ उसको वहाँ उस टीम में सपोर्ट नहीं मिली, या कोई भी कारण रहा होगा, या किसी ने और ने आईडी लगा दी उसकी पैन कार्ड से, तो फिर उन्होंने क्या किया कि आधार कार्ड से फिर एक आईडी और लगा लिया दूसरी टीम में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपके जो डॉक्यूमेंट है आपके किसी फ्रेंड्स के पास होंगे, किसी और कंपनी में आपने साथ काम किया होगा, तो आपको बिना बताएं आपकी आईडी किसी ने पैन कार्ड से लगा दी, किसी ने आधार कार्ड से लगा दी। पहले 1 पर्सन की 2 आईडी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपका पैन कार्ड से भी लग गया आईडी, आधार कार्ड से भी लग गया, फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर के बाद कंपनी ने ये बोला, कंपनी को पता चल गया कि कुछ लोगों ने डबल आईडियाँ लगा रखी हैं इसमें। तो 1 अक्टूबर के बाद कंपनी को ये पता चला कि पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों कंपलसरी किया जाएगा एटोमी में रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड भी। फिर उसके बाद नवंबर में क्या हुआ, कंपनी ने यह बोला कि पैन कार्ड आपका कंपलसरी रहेगा और आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी दे सकते हो फ्रंट एंड बैक, वोटर आईडी दे सकते हो फ्रंट एंड बैक, और पासपोर्ट दे सकते हो फ्रंट एंड बैक, और एक ड्राइविंग लाइसेंस। 4 चीज़ें आपको आईडी प्रूफ के रूप में, उनमें से एक चीज़ सबमिट करनी होगी, ठीक है। तो अभी अक्टूबर के बाद कुछ लोग दूसरी टीम में माइग्रेट करना चाह रहे थे, तो ऑलरेडी जो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका पैन कार्ड नंबर डालते ही स्क्रीन पे तुरंत मैसेज रिफ्लेक्ट होता है कि यू आर ऑलरेडी ए रजिस्टर्ड मेंबर, ठीक है, यू आर ऑलरेडी ए रजिस्टर्ड मेंबर। तो अभी क्या हुआ है कि अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, एटोमी में काफ़ी 7 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अभी एटोमी ने ये बोला है कि जिन मेंबर्स की आईडी गलती से लग गई है या किसी और ने लगा दी है या उनको पता नहीं है, और एक मेंबर की डबल आईडी है, तो वो आईडी एटोमी इंडिया का जो ऑफिस है लॉन्च होने से पहले टर्मिनेट कर दी जाएगी। कौन सी आईडी टर्मिनेट की जाएगी, जैसे पहले किसी ने पैन कार्ड से लगा दिया और उसके बाद उसने आधार कार्ड से लगा दिया, 1 अक्टूबर से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले पैन कार्ड से लगा दिया फिर आधार कार्ड से लगा दिया, जो फर्स्ट आईडी जिसने रजिस्ट्रेशन की है वो सिस्टम में वैलिड बनी जाएगी, और जो सेकंड आईडी है जो आपने लगाई है वो इनवैलिड बनी जाएगी कंपनी। तो कंपनी ऑटोमेटिकली जो सेकंड आईडी लगी है एक लीडर की, वो टर्मिनेट कर देगी लॉन्चिंग से पहले पूरा का पूरा डाटा फिल्टर करने के लिए। तो उसके बारे में कंपनी ने आज अपने एटोमी इंडिया के फेसबुक पेज के फेसबुक ग्रुप में ये न्यूज़ दी है, तो उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसको कृपया करके आप ध्यान से सुनिए, फिर आगे मैं आपसे और डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डियर लीडर्स, एटोमी को सफल बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए सभी प्रतिष्ठित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एटोमी। वर्ल्ड वाइड में एटोमी के सदस्यों को उनके अच्छे नैतिक आचरण और अनुशासन के लिए जाना जाता है। हर सदस्य के प्रयासों को कंपनी द्वारा बहुत सराहा जाता है और साथ ही साथ काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो इसमें ये है कि पिछले जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों एटोमी का, बिल्कुल क्लीन है। ये इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, लीगल गाइडलाइन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एटोमी का जो बिल्कुल डिसिप्लिन, ऑनेस्टी से जो एथिकली काम कर रही है इंटरनेशनली 13 कंट्री में, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और उसके लिए जानी जाती है, अपने एथिक्स के लिए जानी जाती है, अपने ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम होता है इसमें, अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जब किसी नए कंट्री में लॉन्चिंग होती है एटोमी, किसी भी कंट्री में, इंडिया के नहीं, किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री में कुछ लीडर्स के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे सिंगल आईडी डबल आईडी, या मैक्सिमम कुछ लीडर्स, मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगा, कुछ लीडर्स की हैबिट होती है भी डबल डबल आईडी रजिस्ट्रेशन करना, या किसी अज्ञानतावश गलत किसी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, या किसी को बिना बताएं किसी ने किसी की आईडी रजिस्ट्रेशन कर, तो वो सारी चीज़ें हर कंट्री में होती है। तो वो बोल रही है एटोमी कि लॉन्चिंग से पहले हम क्या करेंगे, जो भी डबल आईडी है उनमें से जो फर्स्ट आईडी है वो सिस्टम में रहेगी, सेकंड आईडी टर्मिनेट की जाएगी। आगे देखिए, यदि अनजाने या गलती से पति पत्नी सदस्यों द्वारा 2 अलग अलग सदस्यता आईडी बनाए गए हैं,
तो पति पत्नी द्वारा बनाई गई पहली सदस्यता आईडी लागू होगी और दूसरी सदस्यता आईडी बंद कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया एटोमी इंडिया लॉन्च के बाद लागू की जाएगी, ठीक है। इसमें बताया है कि हस्बैंड और वाइफ ने, हस्बैंड ने दो आईडी लगा रखी है, वाइफ ने दो आईडी लगा रखी है, तो उनकी फर्स्ट आईडी सिस्टम में रहेगी, सेकंड आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी एटोमी इंडिया लॉन्चिंग के बाद, ठीक है। तो ये पहले की न्यूज़ थी, लेकिन ये लॉन्चिंग के बाद डिलीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे और हस्बैंड और वाइफ ने दो दो आइडिया लगा रखी है, चार आइडिया तो वो होगी। दूसरी दूसरी चीज़ें, हस्बैंड और वाइफ की दोस्तों यहाँ पे एक ही आईडी लगेगी, दो आईडी नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी टीम में बताना है। हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे एज ए कपल मेंबर काम कर सकते हैं, जिस प्रकार से हस्बैंड को दो लैग मेंटेन करनी पड़ेगी, वाइफ को दो लैग मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चार लैग पे काम करना एक ही परिवार के दो सदस्यों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। अगर दोनों मिल करके एक ही आईडी पे दोस्तों काम करेंगे तो दो लैग पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एटोमी में हस्बैंड और वाइफ किसी सिंगल आईडी लगती है, दोनों अगर काम करना चाहते हैं तो एक आईडी पे दोनों एज ए कपल मेंबर काम कर सकते हैं, और उसमें प्राइमरी अकाउंट होल्डर और सेकेंडरी अकाउंट होल्डर वो डिसाइड किया जाएगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है। इस घोषणा के बाद भविष्य में बनाई गई सभी डबल सदस्यता आईडी के लिए एक ही नियम लागू रहेगा और पहली सदस्यता आईडी ही मान्य रहेगी। ये जो डिक्लेयर किया है एटोमी ने, एटोमी लॉन्चिंग के बाद डबल आईडी में से जो सेकंड आईडी है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, और ये जो आज आपको बताया गया है इन फ्यूचर में यही नियम लागू रहेगा, सिंगल मेंबर सिंगल आईडी, हस्बैंड वाइफ सिंगल आईडी, कपल मेंबर सिंगल आईडी, डबल आईडी यहाँ पे अलाउ नहीं है। एटोमी को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए सभी एटोमी इंडिया परिवार का एक बार से फिर धन्यवाद प्रकट। अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आप एटोमी ऑफिस विजिट करना चाहते हैं या इसके अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आप इस पर कॉल कीजिए, आप अपनी क्वेरी क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको एटोमी इंडिया का जो ऑफिस है उसकी तरफ से आपके सारे डाउट दूर किए जाएंगे। तो वहाँ पे आपका कोई भी क्वेरी हो कृपया करके वहाँ पे कॉल कीजिए। काफ़ी टाइम से वहाँ पे क्वेरी जा रही थी, तो एटोमी इंडिया ने ये न्यूज़ आज जारी की है, ठीक है, ऑफिशियल न्यूज़। तो इस न्यूज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बड़ी कंपनी है एटोमी, कोई छोटा मोटा काम नहीं होने जा रहा, और जो भी जुगाड़ है, सेट वर्किंग है, इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें, ब्लैक मार्केटिंग है, इस तरह की कोई भी गलत चीज़ें एटोमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपनी है, तो आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी टीम मेहनत कर रही है, ऐसा कोई भी गलत काम ना कीजिए जिससे आपकी मेहनत बेकार जाए, ये हमारा आपसे अनुरोध है। तो एटोमी जो भी बोलती है उसकी लीगल गाइडलाइन को फॉलो करके, और लीगल गाइडलाइन आप अपनी टीम को बताइए आज से पहले। पास्ट में जो भी आपका, आपने जिस भी कंपनी के साथ काम किया, 10-10 आइडिया, 20-20 आइडिया, वो इसमें नहीं चलेगा कुछ भी, ठीक है ना। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कंपनी है। अगर आप कंपनी में आए हैं तो सबसे पहले आप एटोमियंस बनिए, और इसकी लीगल गाइडलाइन जो है उसको आप फॉलो कीजिए, और आपकी और आपकी टीम ग्रोथ और सक्सेस बिल्कुल लेती रहेगी फ्यूचर में, 100% कोई डाउट नहीं है, अगर आप इसकी लीगल गाइडलाइन को फॉलो करके काम करते हैं। तो कोई भी लीडर इसकी जो गाइडलाइन है उसको वायलेट करेगा तो एटोमी उसको नहीं बख्शेगी, कोई भी हो दोस्तों, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से अपनी टीम को समझाइए, सारी चीज़ें जो भी एटोमी की तरफ से ऑफिशियल चीज़ें अनाउंस होती रहती है ना, उन पे आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, तो उसको फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टीम वॉरियर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।